ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ ਮੈਂ ਹਾਂ ਨੀਰੂ ਬਿਜਲਵਾਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਵ ਜਿਹਾਦ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜੇ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਪੀੜਤਾਂ ਤੋਂ ਨਾਲ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਲਵ ਜਿਹਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਸੀ 2000 ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ ਕਿਵੇਂ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਝਾਂਸੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਏ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹਿਲਾ ਸਲਾਹ ਕੇ ਜੇ ਹੈ ਘਰੋਂ ਭਜਾਇਆ ਗਿਆ मैम मुझे पहले उसने झांसे में लिया कि हाँ हम तुझे अपने घर छोड़ देंगे। मैं अपने गांव से आ रही थी अपने पापा के साथ में, तो उसने मेरे को अपने झांसे में फंसाया क्योंकि वो पहले से जानता था। झांसे में फंसाया उसने, अपनी गाड़ी में बैठाया कि हम तुझे तेरे घर छोड़ देते हैं। मैं उसकी गाड़ी में बैठ, पहले तो मैंने मना कर दिया, मैंने कहा मेरे पापा आगे चल रहे हैं कि मैं पापा के साथ जाती हूँ। कह रहे हैं कि नहीं तुम्हारा बैग भारी है कि चलो मैं छोड़ देता हूँ। तो मैं इस झांसे में आकर बैठ गई। मैं जैसे ही बैठी, इसकी सिस्टर साथ में थी और साइड में वो बैठा हुआ, तो बीच में मुझे बैठाया और इसने पीछे से मेरे एक हैंकी सा रखा, कुछ सुंघाया, जिससे कि मैं बेहोश हो गई। बेहोश होने के बाद जब मुझे होश आया तब मैं थी डेराबसी मज़ार पे, मज़ार वेलकम यूनियन के साथ में, वहाँ पे जब होश आया वहाँ पे थी, तो मैं चीखी, मैंने कहा कि मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो, कि मुझे मेरे घर जाना है, यहाँ क्यों लेकर आए हो, कि तुमने तो बोला कि मैं पापा के पास छोड़ दूंगा। जो भी बात हुई वो मैंने बोला, चिल्लाया काफ़ी, तो वो लोग मेरे को बोलने लगे कि हाँ अभी झांसा देने लगे, अभी छोड़ देंगे तेरे को। फिर उसके बाद इसके पापा ने और मम्मी ने कुछ खाने पीने को दिया मुझे, जिससे कि मैं फिर से बेहोश हो गई। इसके पापा तांत्रिक हैं, जादू टोना करते हैं, काफ़ी ओझा जोगी में रहते हैं। फिर उसके बाद उससे मैं बेहोश हो गई। बेहोश होने के बाद ये लोग मुझे लेकर चले गए, एक मट्टाली गाँव है वहाँ पर रामगढ़ के पास में, जो वहाँ पे लेकर गए। वहाँ पे जब मुझे होश आया, जब मैंने पूछा कि मुझे यहाँ पे क्यों रखा है, क्यों लेकर आए हो मुझे, जब चीखने चिल्लाने लगी तो ये मेरे साथ ज़बरदस्ती करने लगे, मारना पीटना ये सब करने लगे। बिलाल मेरे साथ ज़बरदस्ती करने लगा, उसका भाई वीडियो बनाने लगा, ज़बरदस्ती करता। फिर जब मैं चीखती चिल्लाती तो ये लोग मुझे मारते पीटते, काफ़ी कुछ बोलते, जान से मारने की धमकी देते कि मैं जान से मार दूंगा तुझे अगर तू चिल्लाई। फिर ये लोग मुझे इधर उधर लेकर जाते रहे। कहाँ कहाँ लेके गए, मतलब केड़ी केड़ी थां ते तुहानू लैके गए, कि चंडीगढ़ के विचकार ही लैके गया, देश के विचकार भी घुमाया? मुझे पहले तो रुड़की लेकर गए, कलियर लेकर गए, कलियर से लखनऊ, लखनऊ से इसकी मम्मी और ये, लखनऊ से नैनीताल लेकर गए, नैनीताल में रखा कुछ टाइम तक, जब मेरी पेशी थी, मेरी गवाही थी, तो मुझे ये लोग लेकर आए। ये जो पेशी की तुम गल करते हो, गवाही की गल करते हो, उस वे तो मन तुम घुमा रहे थे, लेकिन सब तो वड्डी गल है इन्ने चिर तो तुम गुम सीगे, तुहाडे फादर साहब ने भी पटीशन पाई सी हाई कोर्ट, मामला पहुंचा है, निकाह किस वेले होया, बेहोशी की हालत के विचकार कित्थे होया ते किवें होया? ये मेरे को जान से मतलब धमकियां देकर, डरा धमका कर मेरी वीडियो वो करके लेकर चला गया मुझे। ब्याह कद होया सी, ब्याह दी गल पूछ रही हूं। वो जनवरी में हुआ था, 19 जी। अच्छा, उसने वहाँ पे किया और इसकी वर्डिंग इन्होंने प्लेन पेपर पे मेरे से साइन करवाए हैं, जो आधार कार्ड भी मेरा टेम्पर करवाया था, आधार प्लेन पेपर पे साइन करवाए, फिर धर्म परिवर्तन किया, फिर इनका उर्दू भाषा में, मेरे को तो उर्दू आती नहीं है, ना ही मुझे पता, मैं हिंदू लड़की हूँ, उर्दू भाषा में इन्होंने पेपर्स दिए जिस पे मेरे से साइन करवाया, ज़बरदस्ती साइन करवाया, और जैसे जैसे ये लोग बोलते गए मुझे वैसा वैसा करना पड़ा। हुण जे तुसीं इत्थे SSP नाल गलबात करन पहुंचे हो, की मंगा रखियां ने, की उत्थों तो आश्वासन मिले? मैम मेरी मांग ये है कि जैसे इतना आजकल मुसलमान का इतना वाद बढ़ चुका है, जिस तरह वो कत्ल चल रहे हैं, एक बीच में आया था वो केस जिसके इतने टुकड़े किए हुए थे, वो भी मुसलमान का केस था, एक कल है शाहिल, यानी कि तुसी देश दे विचकार जो वक् वक् केसेज आ रहे हैं, मर्डर केसेज आ रहे हैं, उन्होंने देखते हुए तुहानू डर पै बह गया? यस मैम। उसके वालों कभी डराया धमकाया गया, तुहानू धमकियां दित्तियां गईयां? यस मैम, मेरे को अभी भी धमकियां आती हैं, अभी भी धमकियां आती हैं, बोलते हैं जान से मार दूंगा। असि वकील नाल गलबात कर लेंदे सर, किवें वेखदे हो, क्योंकि हिंदू संगठन भी बहुत ज़्यादा अगे आ गए, ये कहिंदे देश दे विचकार लगातार जिन्हें हिंदू कुड़ियां दा मर्डर जो हो रहा, ज़्यादातर मुस्लिम भाईचारा ही निकल के सामने आ रहा, बहुत अफसोस की गल हो जाती है, क्योंकि जब आप कहते कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे भाई भाई, पर हुण जे किस्से आ रहे ने वह कुछ होर ही बयां करदे ने। देखो आपां ये तां नहीं कहना चाहिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे भाई भाई, ना ये झूठ सिद्ध करते पे है, जिहड़े जिहाद के नाँ के उत्ते हिंदुओं दी लड़कियां नूं चक के लैके चल जाते हैं,
उन्हों का धर्म परिवर्तन करते हैं, उन्होंने नाल जबरदस्ती विआह करते हैं। यही घटना जिहड़ी है मोनका नाल घटी है। इनू चांसा दे के पहला गड्डी बिठा लिया, फिर इनू सुंघा के किडनैप कर लिता गया। किडनैप करन तो बाद किस तरीके दे नाल किस हालात दे विच इहदे नाल उन्होंने दुष्कर्म किए, उहदियां वीडियो बनाईआं, उहनू वीडियो बना के इहनां लड़की दे नाल इहनां ने किद्दां इहनू ब्लैकमेल किया और थ्रैट करदे रहे वी तेरे भरा नूं मार दांगे। ये बड़ा वड्डा गैंग जिहड़ा है, ये जिहादी गैंग चलता पिया। इहनां दे नाल सारियां मस्जिदां शामिल होईआं पईआं, जिहड़े मौलवी शामिल होए पए आ। मौलवी ने पता सीगा मौलवी नूं भी इस लड़की की नाबालग लड़की है, उहदे बावजूद उस मौलवी ने इहदा विआह जिहड़ा है वह मुंडे नाल करता, धोखे दे नाल विआह किया, उहदा नाम बदलता। जबकि कुड़ी बेहोशी की हालत में रहिंदी सीगी, नशा कराउंदे सी इहनूं, बेहोशी की हालत में रहिंदे सीगे। ते असी साडा सब तो वड्डा जिहड़ा है, असी मैं हिंदू संगठन के नाल भी हाँ, अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद के नाल है, ये अपने अशोक तिवाड़ी जी श्री हिंदू तख्त के वलों है, ये मनीष तिवाड़ी जी ये भी श्री हिंदू तख्त वालों, असी सारे हिंदू संगठन ने मिल के ये फैसला किया भी एक तो जिहड़ा ऐसियां हरकतां चंडीगढ़ के होंदियां पईआं उन्हां दे उत्ते आपां जानकारी इकट्ठी करिए और जिथे जिथे घटना घटदी पई है पहले रोकण की कोशिश करिए, जिथे घटना घटदी पई है, क्योंकि ये लड़की बड़ी असहाय घूमती पई सी, फादर बड़े असहाय घूमते पे सी, उन्होंने कोई हैल्प दी हैल्प नहीं मिल रही सी। इन्हां ने बड़ी मुश्किल दे नाल मेरे नाल कॉन्टैक्ट किया ते मैं इन्हां दा केस सुनाया, इसलिए पूरा फ्री केस लड़दा पिया मैं चंडीगढ़ की कोर्ट के विच, ते मैं इहदा पूरा केस फ्री लड़दा पिया। असी जिहड़ी हुण नैक्सट तरीक पैनी है जुलाई के ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੜਕੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਮ ਲੜਕੇ ਦੀ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਬੇਲ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਔਰ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਲਗਾਇਆ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੜਕੀ ਨਾਬਾਲਗ ਸੀਗੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰੇਪ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੜਕੀ ਨਾਬਾਲਗ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਐਕਟ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਐਸ ਐਸ ਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੜਕੀ ਦੇ ਕੋਲ ਐਵੀਡੈਂਸਿਸ ਹੈ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਰੋਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ, ਜਾਨ ਤੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਿੱਸਾ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਮ 21 ਚਾਕੂ ਮਾਰ ਕੇ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੜਕੇ ਨੇ ਸਾਕਸ਼ੀ ਨਾਮ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਆਇਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇਸੇ ਇਹੀ ਹਾਲ ਮੋਨਿਕਾ ਦਾ ਨਾ ਕਰਤਾ ਜਾਏ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਐਸ ਐਸ ਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਸਰ, ਲਵ ਜਿਹਾਦ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ? ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਲੜਕੇ ਦੀ ਮਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੈਕਸ ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਘੇਰਾਬੰਦੀ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੈਂਗ ਹੈ ਇਹ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਗਲਫ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੜਕੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੜਕੀ ਇਹਦਾ ਸੈਕਸ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਡਰਦੀ ਮਾਰੀ ਲੜਕੀ ਘਬਰਾ ਕੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਦੇ ਕੋਲ ਭੱਜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸੈਕਸ ਟ੍ਰੇਡ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਪਏ ਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵਾਰ ਵਾਰ ਥ੍ਰੈਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਵੀ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁਣੀ ਲੜਕੀ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਮ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਫ੍ਰਿਜ 'ਚ ਪਰਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਵੀ ਇਹ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਐਸੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਕਸ਼ਾ ਐਸੀ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਸ ਸਿਕਸ਼ਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੜਾ ਭਿਅੰਕਰ ਰੂਪ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਖ ਕਦੋਂ? ਇਹ 7 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਤਰੀਕ, ਅਗਲੀ 7 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਬੇਲ ਵੀ ਕੈਂਸਲ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਪੋਕਸ ਐਕਟ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ 7 ਤਰੀਕ ਜੇ ਹੈ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਏਗੀ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੋਸਕੋ ਐਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਬੇਲ ਵੀ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਾਬਾਲਿਗ ਸੀ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਦੀਪਕ ਦੇ ਨਾਲ ਨੀਰੂ ਬਿਜਲਵਾਨ, ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ।